हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल भालट फैमिली। मैं हूँ पायल और मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और ये है शाम का टाइम और हम निकले हैं घर से। हम जा रहे हैं अमित कश्यप भाई के घर रात को डिनर पे और हम वहीं स्टे करेंगे। चलिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर होगा, ये देखिए कितनी प्यारी गणेश जी की मूर्ति स्थापित की हुई है। और अभी हम करेंगे गणपति जी की पूजा। और अब कर रहे हैं गणपति विसर्जन अमित भाई और दिव्यम इनकी वाइफ। बोलना भी होता है गणपति बाप्पा। चलो गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। और फ्रेंड्स, सब करवाई जा रही है गणपति जी की परिक्रमा पूरे घर में। खाना वाना सब खा चुके थे। खाने की मैंने ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि जैस काफ़ी तंग कर रही थी, जैस काफ़ी शोर मचा रही थी। और जैसे तैसे करके जैस को खाना वाना खिलाया और खाना खिला के जैस को सुलाया और उसके बाद सब खाना खा चुके थे। अब होगा गणपति विसर्जन। उससे पहले भगवान गणपति जी की परिक्रमा करवाई जाती है पूरे घर में। और पूरे घर में परिक्रमा करवाने के बाद, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के बाद, फिर उनका किया जाता है विसर्जन। अब आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर कर रहे हैं गणपति विसर्जन। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बाहर, घर के बाहर ही है ये। यहाँ पर पानी लिया है एक पॉट में और उसमें हम गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं यहाँ पर। और जाने से पहले गणपति जी का ले रहे हैं आशीर्वाद। आप सब पर भगवान गणपति जी की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और सबको गणपति महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हों। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन गणपति जी की जय जयकार हो। भगवान गणपति जी सबकी फैमिली में रिद्धि और सिद्धि लेकर आए। और फ्रेंड्स, अब मैं करवाती हूँ आपको अमित भाई के घर का टूर। और यहाँ से होती है इनके घर की एंट्री। और एंट्री करते ही सबसे पहले है यहाँ पर ये एक विंडो जो हमेशा ओपन रहती है। यहाँ से हम बाहर का व्यू देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर है देखने में। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम नहीं है, अपार्टमेंट्स नहीं हैं। इनके जो घर हैं वो सेपरेट सेपरेट हाउस हैं। और जैसे ही हम आएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, सामने है वॉशरूम, एक साइड है किचन और इधर है बहुत ही अच्छा स्पेशियस हॉल, ये भी काफ़ी खुला है। अभी पूरा प्रॉपर फर्निश्ड नहीं किया है, धीरे धीरे ही सेटिंग करेंगे घर की। एक बार आपको कम्प्लीटली व्यू दिखा देती हूँ हॉल का। तो ये रहा हॉल का व्यू। और हॉल में है एक विंडो जहाँ से हम बाहर का व्यू देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एरिया लगा मुझे, बहुत ही खुला एरिया है। और इस एरिया का नाम है किंता दे कोंदे। लिस्बन से थोड़ा दूर पड़ता है, लग जाता है लिस्बन से जाने में 30 मिनट्स की ड्राइव तो है। और सामने जैसे ही मूव करेंगे सामने आती है किचन और ये है वॉशरूम। और फ्रेंड्स, अब दिखाते हैं आपको किचन। और यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी किचन। ये है किचन। किचन फुल फर्निश्ड थी, सिर्फ फ्रिज नहीं था, फ्रिज बाद में लिया। वैसे यहाँ पर अनफर्निश्ड हाउस ही ज़्यादा मिलते हैं, फर्नीचर हमें बाद में लेना पड़ता है। और यहाँ पे बैठी थी मैं और ये रहे परमीत जी।
और ये है अब इनका सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे है दो बेडरूम, एक बेडरूम ये है और ये है वॉशरूम सेम नीचे की तरह, और एक बेडरूम है ये। नीचे की तरफ था हॉल, किचन, वॉशरूम। सेकंड फ्लोर पे है दो बेडरूम, एक वॉशरूम और ये है बाहर। काफ़ी अच्छी सी, काफ़ी अच्छी जगह जहाँ जिसको हम यूज़ कर सकते हैं शाम को बैठने के लिए। परमीत जी ने और अमित भाई ने काफ़ी टाइम यहीं पर स्पेंड किया, रात को यहीं पर बैठे रहे म्यूज़िक लगा के।
और फ्रेंड्स मैंने आपको अमित भाई का घर दिखाया था। इस घर का रेंट है 700 यूरो और प्लेस का नाम है किंता दे कोंदे। लिस्बन से दूर पड़ता है, आधे घंटे की ड्राइव पे घर पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल सब अलग से है, 700 यूरो से अलग। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छी लगी होगी और अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए